सबसे मेन डिपेंड करता है जैसे तारीख के अकॉर्डिंग भी होता है हमारे रेट। अब जैसे 4 नवंबर है देवस्थान है तो इसका कॉस्ट ऊपर जा रहा है रेट। अच्छा, रशियन ढोल होते हैं, रशियन लड़कियां ढोल बजाती हैं। अच्छा, कई लोग कहते हैं जो आते हैं वो करवा लेते हैं। शादी का मौसम शुरू होने में कुछ दिन बचे हैं। जिनके घर शादी होनी है बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। सबसे ज़्यादा जरूरी काम होता है बाजे वाले का। बाजे की ये पूरी मार्केट है, आप देख सकते हैं कि ये दिल्ली का झील इलाका है। लग से यहाँ पर आप देखेंगे तो कम से कम यहाँ पर दर्जनों दुकान आपको यहाँ पर दिखाई देगी। लोग आ रहे हैं शादी के लिए, जो है बैंड बुक कर रहे हैं आप देख सकते हैं, और बैंड वाले भी तैयारी कर रहे हैं। कई लोग यहाँ पर हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि इस सीज़न में किस तरह का इनके पास काम आ रहा है, क्या माहौल है, और किस तरह की बैंड के साथ साथ क्या सर्विसेज हैं। क्या नाम आपका? संदीप बलोदरा। संदीप जी, अब तो सीजन शुरू हो गया, अब तो चांदी कटने का टाइम आ गया। चांदी की सी जी आपकी? नहीं नहीं, चांदी नहीं है तो खर्चा ही निकलेगा जो भी बंदों का है। और क्या, इनकम टैक्स से नहीं हूँ मैं? नहीं नहीं, इनकम टैक्स की बात ही नहीं है। ये तो सारे अपना जो काम होता है, घोड़ी बग्घी वाले हैं, उनका लाइट उठाते हैं, लेबर सबको देने हैं, अपना काम करते हैं वो बेचारे। जो नहीं, तो गलत बात थोड़ी। आप 4 महीने या 6 महीने, कितने दिन रहता है आपका सीजन? ये तो 10 दिन का काम रहते हैं, कभी 10 दिन है, कभी 15 दिन है, कभी 3 दिन है। नहीं, रोज का देव तो 4 महीने सोते हैं। जैसे 4 तारीख को काम है सिर्फ। अच्छा, फिर उसके बाद फिर 28 से काम शुरू होगा, और 28 से 14 तक भी कई डेटें खाली हैं। ये होता है कि हमारा रोज काम नहीं है ये। अच्छा, अब 28 को होगा, फिर 29-30 नहीं होगा, फिर 2 तारीख को होगा, ऐसे ऐसे काम होते हैं, डेटों के हिसाब से काम होते हैं। लेकिन जैसे एक दिन में कई साए होते हैं तो उनको भी तो मैनेज करते होंगे ना आप, उसको कैसे मैनेज करते हैं? मान लीजिए एक दिन में 3 साए हैं आपके पास। एक दिन में 3 या 4 साए? नहीं नहीं, 1-2 काम होते हैं, वही सब वही करते हैं। अच्छा, साए क्या? साए तो ये डेट महीने में होते हैं ना साए? नहीं, साए का मतलब ये है कि एक दिन में कई शादी के लिए आपको बैंड बजवाना है किसी घर में, 4 लोगों की शादी के आपके पास है। नहीं नहीं, मैं तो 2 ही अपना। अच्छा, 1-2 बंदे बस। अच्छा, बाकी काम दूसरे करेंगे जिसके पास भी जाएंगे, हमने कोई ज़्यादा काम नहीं करना। क्या रेट है, किस तरह की सर्विस है आपका? देखो जी, बग्घी कोई लेता है, कोई घोड़ी लेता है, कोई अपना गाड़ी में बैठ के जाते हैं कहीं बैंड बजवाने, जैसे भी कोई कहेगा उसको भेज देते हैं। उसमें बैंड होते हैं, लाइट होती है, बग्घी होती है, ढोल वाले हैं, जैसे भी कोई काम करवाएगा। कितना मतलब जो आपका कॉस्ट रहती है, किस तरह, कितने बाजे वाले, जिसमें क्या क्या होगा, वो पूरा कितने पैसे में, वो सर आप बताइए। तो ये 11 बैंड वाले होते हैं, 8 लाइट वाले होते हैं, 2 ढोल होते हैं, 1 बग्घी होती है, फूलों वाली ओरिजिनल फूल होते हैं जो वो लगते हैं अपना बग्घी पर जी। और जैसे जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, घुड़चढ़ी पे घोड़ी जाती है, जैसे जैसे इसकी जैसे रिक्वायरमेंट। ये पूरा जो पैकेज है आपका, 11 जो बैंड वाले हैं, 2 ढोल वाले हैं, बग्घी है, ओरिजिनल फूल हैं, और घोड़ी के साथ साथ भी, क्योंकि घोड़ी तो चाहिए चाहिए, तो ये कितने पैसे का है? हमारे यहाँ तो बड़ा रीजनेबल है जी। हाँ नहीं, आपको तो रीजनेबल लग, मार्केट में बहुत रीजनेबल रेट है। अच्छा, सभी लोग रीजनेबल करते हैं? बहुत ही रीजनेबल भी करते हैं जी। यहाँ पर जो हाई वाला काम नहीं होता, 35 से लेके 40-45 ऐसे रेट हो जाते। 40 से 45 के हजार के बीच है। हाँ, बस बस, बस 30 से 45 लगा लो। अच्छा, 30 भी कर लेते हैं? हाँ, जो यही रेट होते हैं 30। अच्छा, खाली रेटों में और कम हो जाते हैं, जो हैवी डेटें होती हैं थोड़ा ये रेट होता है और कम हो जाते हैं। दो आजकल तो रशियन लड़की भी नाच वाचने के लिए आती है। रशियन ढोल होते हैं, रशियन लड़कियाँ ढोल बजाती हैं। अच्छा, कई लोग कहते हैं जो आते हैं वो करवा लेते हैं, रशियन ढोल वोल अपना ढोल वाला लेके आता है जी, उनका ही हिसाब किताब। उनका क्या कॉस्ट रहती है? वो तो उनका तो भाई साहब अपना ढोल वाले हैं, कोई 10,000 मांगता है, कोई 15 मांग लेता है, जैसे भी है तो उनका अपना। नहीं, सिंपल कितने ढोल वाले आते हैं, 4 की 2 की 3? वो अपना लेके आते हैं, 2-4 ले आते हैं रशियन, जो भी नाम बोल। और कितनी लड़कियां आती है? वो लड़कियां लड़कियां आती हैं कि लड़के लड़के आते हैं, कैसे क्या रहता है कॉम्बिनेशन? 2 लड़कियां ले आते हैं, बाकी उनके ही होते हैं ढोल वाले। अच्छा, उनको बजाना थोड़ी आता है रशियन को, तो ऐसे ही बस पकड़ के बजाते ही रहते हैं। अच्छा, बस माहौल बन जाता है। माहौल बनाना होता है कि गैदरिंग थोड़ी अच्छी हो गई उसमें, और क्या होता है। पहले जैसे कोई पार्टियों में वो नहीं ले जाते अपना। वो कितना खर्चा आता है उसका?
उनका खर्चा ढोल वाले ही करते हैं बुक हमारे वो आपको नहीं कह रहे 10-15 हज़ार रुपये ले लेते होंगे और जो भी इनका ऊपर है जैसे कोई बात हो जाए रशियन वशियन ले आते हैं। तो ये जो है अगर और क्या मतलब एडिशनल हो सकता है, कई लोग ऊँट वाले भी ले आते हैं। अब तो आतिशबाजी पहले चलती थी, अब बंद हो गई। अब फूलों का फ्लावर शॉट हो गए, ऐसे छोटा मोटा चलता है। वो कितने का पड़ा, आतिशबाजी का कितना खर्चा आ जाता था? आतिशबाजी तो ख़त्म हो गई है, पहले उसकी होती थी वो तो 7-8 हज़ार रुपये में, अब वो ख़त्म हो गई। फ्लावर शॉट वाला मामला क्या है? फ्लावर शॉट होते हैं, फूलों की वर्षा होती है, बस वही अपना कर देते हैं। वो कितने का हो जाता है? वो हो जाता है 5-6 हज़ार रुपये में हो जाता है। अच्छा, जो लड़की का जो एंट्री के लिए अलग से, वो जो कई आजकल चल रहे हैं मामले, लड़कियाँ फूल के अंदर से आएगी, आसमान से उतरेगी, ये भी कई चीज़ें ये इवेंट वाले करते हैं, उन्हीं का हिसाब किताब होता है। उनके साथ आतिशबाजी वालों के साथ उन्होंने कर रखा है, जो मटके में से धुआं निकलना वो सारा उन्हीं का हिसाब किताब है, अलग से होता है उन्हीं का। ये वही फायर वर्क वाले नहीं जो पहले फायर वर्क का काम करते थे, अब वो यही काम कर रहे हैं कि जो शॉर्ट शूट वाला जो होता है ना, यही अपना नाइट्रोजन गैस के मटके वटके। और क्या क्या अगर बाजे और तादाद बढ़वानी हो तो उसमें क्या क्या? अब कम ही हो गया जब से कोरोना हुआ है ना, थोड़ा कम ही कर दिया सब लोगों ने। डीजे का मामला, डीजे बंद है, दिल्ली में बंद है डीजे, हम नहीं करते ना, डीजे बंद ही है वैसे। अच्छा, वो तो थोड़ा उस तरफ चलते हैं, यूपी साइड में डीजे, हरियाणा में चलता है, यहाँ लोग डिसेंट ही काम होता है थोड़ा बहुत अपना बाजे वाला। अगर कोई और ज़्यादा पैसे खर्च करना चाहता हो बाजे पर तो कितने तक का पैकेज आपके पास रहता है? देखो मैं अपना, हम तो नहीं करते, कई हैं जो अपना गुजर होते हैं वो ज़्यादा लगाते हैं, उसमें मशाले हो गई, घोड़े हो गए, ऊँट हो गए, हाथी हो गए, वो तो फिर जितना मर्जी। ऊँट का कितना खर्चा रहता है? तो 5-6 हज़ार रुपये होता है। हाथी का? हाथी तो ख़त्म हो गया, दिल्ली में है ही नहीं। अच्छा, घोड़ा अगर आपको 2-3 बग्घी करनी है? अरे नहीं, घोड़े गए अपने, दो ही घोड़े होते हैं और यह घोड़ी घुड़चड़ी पर जाती है और दो घोड़े उसमें बग्घी में लगते हैं। नहीं, इसके अलावा अगर और भी 2-4 घोड़े करने हैं? खाली रेटों में मिलते हैं, रश की रेटों में तो मिलते ही नहीं, बहुत कम है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो खुश हैं अब जो साहे आ रहे हैं तो बड़े दिनों के बाद? तो अपना क्या भाई साहब, बस अपना खर्चा पानी पूरा हो जाए। ऐसी बात क्यों करते हो संदीप जी, यार तुम खुल के बात नहीं कर रहे, आप के बात ही कर रहे हैं, छुपा के नहीं बात कर रहे कि जो अपडेटें खाली होती है ना वो नुकसान होता है। तो फिर कैसे करते हो आप? जैसे भाई साहब ने तो बुकिंग कर ली है जिसकी, अब मान लो आपकी बुकिंग कर ली मैंने आपका, जैसे बुकिंग कारीगर तो महीने के लिए आएंगे तो उनको तो महीने के पैसे देने पड़ेंगे, हमारे तो बस 10 दिन का काम है तो महीने का पैसा उनको वो महीने के लिए। अच्छा, मंथली पर रखते हैं उनको आप? पहले रखते थे, अब नहीं है, जैसे कोरोना हुआ ना अब नहीं है, अब फिर पढ़े के हिसाब से आते हैं। अच्छा, जैसे 10 दिन का काम है, 20 दिन का, तो ऐसे आएंगे। तो उनको कितना पढ़े के हिसाब से, 10 दिन के हिसाब से कितना देते हैं? पर डे का इनका तो कोई रेट ही नहीं है, 15 हज़ार ले लेते हैं, 20 हज़ार ले लेते हैं 10 दिन का आदमी। हाँ, 10 दिन का यानी 2-2 हज़ार रुपये पर डे? हाँ जी, तो बहुत महंगा पड़ता है मामला। महंगा तो है, ये काम तो आपका 10 दिन है, उनको जैसे 15 हज़ार दोगे तो 10 दिन ही काम कराओगे, तो कारीगर तो पड़ ही रहा है, 10-15 हज़ार का कारीगर है। खुश हैं वैसे चीज़ों को लेकर? खुश ही हैं भाई साहब, काम और क्या करेंगे, यही काम कर रहे हैं तो यही करते रहेंगे, अपने काम को कौन। दादा पापा करते थे? पिताजी नहीं करते थे, हम ही करते थे। आपने ये संदीप मल्होत्रा जी का कहना था कि जो है काफ़ी चुनौतीपूर्ण काम है, हालांकि क्योंकि कई चीज़ें लोग खोलने में थोड़ा हिचकिचाते हैं। आइए इनसे बात करते हैं, मालिक आ गए हैं, क्या नाम है इनका? आरिफ भाई, ये बताइए आप क्या माहौल है इस समय, जो साए आ गए हैं तो साए को लेकर तो खुशी महसूस हो रही होगी, कैसा क्या कहें? खुशी क्यों नहीं होगी, काम धंधा तो है नहीं है, काम धंधा 3 साल में जाके अब बना है जी। कोरोना के बाद तो बहुत ज्यादा बुरी स्थिति, बैंड वालों को तो बहुत दिक्कत हुई थी। अच्छा, बैंड वालों को सबसे ज्यादा बहुत परेशानी आई थी, अब तो 3 साल में जाके अब थोड़ा बहुत काम खुला है। सही काम खुला। कब से लग रहा है कि थोड़ा राहत आई है? कब से क्या, ये 1 साल से हुआ है अभी तो। हाँ, अब ये साए जो हिंदू साए चलते हैं वो शुरू हो जाएंगे 2 दिन बाद, तो उसमें क्या लग रहा है, उसकी बुकिंग कई महीने पहले से शुरू हो जाती है? हाँ, तो कैसी बुकिंग आ रही है, अच्छी है कैसे? हाँ सही है, बुकिंग ठीक है, पहले 2-3 महीने पहले बुकिंग चालू हो जाती है।
तो कैसे रहता है, किस तरह से, किस तरह की सर्विस है, मतलब अगर आपकी सर्विस की बात करें हीरा बैंड की, तो किस तरह की सर्विस देते हैं, उसकी क्या कॉस्ट रहती है, किस किस तरह की सर्विस है आपकी? ऐसा होता है कॉस्ट, देखो महंगाई इतनी हो रही है, कॉस्ट ना तो हमें कस्टमर इतना दे रहा क्योंकि लेबर भी महंगी हो रही है, हर तरीके का कस्टमर आता है क्योंकि मार्केट है, मार्केट में हर तरीके का कस्टमर आता है, कोई 15 भी देता है, कोई 20 भी देता है, कोई 25 भी देता है। शादी के लिए 15,000 से लेकर 25 तक? हाँ नहीं, 10,000 रुपये भी है, 10,000 भी। तो 10,000 में क्या है? 10,000 रुपये में 11 आदमी का बैंड है, एक घोड़ी है, लाइट है, ढोल है, ये चीज़ है। 10,000 में हो जाता है? हाँ 10 में। कितने घंटे? इनका घंटे का तो हमारा टाइम ही नहीं होता, फुल टाइम का होता है। फुल टाइम का? हाँ। जब तक शादी शुरुआत से लेकर? नहीं होती, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे जब तक पार्टी। अच्छा 10,000 से लेकर कहाँ तक का पैकेज है आपका? 10,000 से पैकेज लेके 30,000 रुपये तक का। 30,000 में क्या क्या है? 30,000 रुपये में जैसे बग्गी हो गई, बैंड हो गया, लाइट हो गई, ढोल हो गए, नासिक हो गए, नफीरी तासे हो गए, ये हो गया, ये चीज़ है। आजकल रसियन लड़की वड़की भी ढोल वोल बजा रही है, उसका क्या मामला सुनने में आया? नहीं, हमने कभी आज तक बुक नहीं करी रसियन, हमने आज तक ये आइटम ही नहीं की। और इसके अलावा क्या फैसिलिटीज रहती हैं? जैसे ऊँट है, घोड़ियाँ हैं और आतिशबाजी है, लेकिन अब तो बैंड कर दी गवर्नमेंट ने, और तुम्हारे काफ़ी आइटम है, नगाड़े वाले हैं, भंगड़ा पार्टी है। ऊँट का क्या कॉस्ट पड़ता है? ऊँट है जो हम जो ऊँट बुक करते हैं 2500 रुपये का एक ऊँट बुक करते हैं। 5,000 के दो हो जाते हैं? 5,000 के दो हो गए। और फिर सबसे मेन डिपेंड करता है जैसे तारीख के अकॉर्डिंग भी होता है हमारे रेट। अब जैसे 4 नवंबर है, देवस्थान है, तो इसका कॉस्ट ऊपर जा रहा है रेट। अच्छा, वो जब जितना जिस दिन बिजी शेड्यूल है उस दिन ज़्यादा रहेगा। अब जैसे 4 नवंबर का देवस्थान है, तुलसी विवाह है, तो इसका जो है ना रेट, हमें पीछे से लेबर का रेट है 1500-2000 रुपये का पर डे का, पर डे का, तो हमें भी उसी तरीके से कस्टमर से पैसे मांग रहे हैं। अब जैसे फूल है, फूल हम लेके आते हैं 2500 रुपये का। अब जिस दिन मंडी भारी होगी, साया ज़्यादा है, क्योंकि होटलों में भी लगता है, हर जगह लगता है टेंट वगैरह, तो फूल का रेट जहाँ 2500 का रहा, वो आ रहा है 6,000 रुपये का, तो हम भी कस्टमर से बढ़ा के पैसे लेते हैं, ये होता है। तो ये मार्केट डे बाई डे पर डिपेंड करती है आप कैसे? जी जी हाँ जी। देवठानी को लेकर कई प्रोग्राम आ रहे होंगे? हाँ बहुत प्रोग्राम होते हैं, पर हमने ज़्यादा नहीं बुक करते, 3 या 4 प्रोग्राम। 3 या 4? ऐसे में कैसे रहता है कस्टमर को फिर, कैसे भाई जिस दिन एक दिन में बहुत सारे साए एक साथ आ जाते हैं, तो वो कैसे फिर एडजस्ट होता है? नहीं, हम इतनी बुकिंग करते हैं जितने हमारे पास वर्कर हैं या जितना हमारे पास घोड़ी बग्गी है, इतना ही बुकिंग करते हैं। अच्छा, खाली दिनों में किस तरह से आपका शेड्यूल रहता है, या आपके कारीगर किस तरह से रहते हैं, या आपका काम धंधा कैसे चलता है? कारीगर भी नहीं कुछ कर पाते, हम भी नहीं कुछ कर पाते, साए का ही काम होता है। हाँ, वो छोटा मोटा आ जाता है, जैसे कुआ पूजन हो गया, या छोटी मोटी गुड़चिड़ी हो गई, घर का मुहूर्त हो गया, इन चीज़ों से थोड़ा। तो लगभग जो जब साए बंद रहते हैं लगभग 3 महीने, तो मतलब 4 महीने करीब थोड़ा ठंडा, 8 महीने बल्ले बल्ले? 8 महीने कहाँ होता है, हमारा तो ये नवंबर दिसंबर होता है, फिर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल बस, फिर उसके बाद तो डाउन ही हो जाता है, फिर खर्चा पानी थोड़ा बहुत ही चलता है हल्के फुल्के। हाँ जी, 5 से 6 महीने ही? हाँ 5-6 महीने, 50-50 का रस्म है। हाँ जी, तो आप समझ सकते हैं कि जो कोरोना के बाद का जो माहौल था वो थोड़ा सा सुधरा है, और जो ढोल वाले हैं, बैंड वाले हैं, उनके चेहरे पर आपको खुशी महसूस होगी। हालांकि इनका कहना है कि क्योंकि कॉस्ट जो है डे बाय डे डिपेंड करती है, यानी पर डे किस तरह से कॉस्ट आ रही है, पीछे से जो लेबर है, जो बैंड वाले हैं, ढोल वाले हैं या फूल वाले हैं, उनकी कॉस्ट क्या रहेगी, इस पर डिपेंड करता है कि कस्टमर को चार्ज कितना देना पड़ेगा। लेकिन साए शुरू हो रहे हैं, काफ़ी खुश हैं, काम भी आ रहा है इनके पास, और कई लोगों का कहना है कि जो रेट है वो रेट पार्टी के हिसाब से होता है, जिस तरह की सर्विस पार्टी चाहती है उसके हिसाब से रेट होता है। तो यही थी अपडेट शादी ब्याह को लेकर। आप और कोई जानकारी चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, कोशिश करूंगा कि आपको हर जानकारी दी जाए। नमस्कार।